खरगोन जिले के बड़वा क्षेत्र में कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मृतक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से और दो व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं सनावत के समीप ग्राम गवल की युवा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने दो नए कंटेनमेंट एरिया घोषित कर आवाजाही पर रोक लगा दी है। बकौल प्रशासन ने 100 से अधिक व्यक्तियों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया है, परंतु बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं है। महात्मा गांधी मार्ग, सुभाष मार्केट और बैंकों के बाहर लगने वाली भीड़ न तो सोशल डिस्टेंस रख रही है और ना ही दो पहिया सवार वाहन चालक मास्क लगा रहे हैं। खैर, बड़वा में मिले दोनों संक्रमितों में से एक पहले से ही खरगोन चिकित्सालय में उपचाररत है और एक अन्य संक्रमित युवा को आज दोपहर एम्बुलेंस से खरगोन रवाना किया गया है। सभी नागरिकों को समझना होगा कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। दुकानों और बैंकों के बाहर भीड़ और बेवजह बाहर घूमने की सजा पूरे परिवार को संक्रमण के रूप में भुगतनी पड़ेगी। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। दो नए पेशेंट और मिले हैं सर, तो अब प्रशासन की क्या रणनीति रहेगी आगे? जो पेशेंट मिले हैं वो क्वारंटाइन कर दिया है, उनके परिवार को, घर को, एरिया को, उनको खरगोन भेज दिया है। एक तो पहले भी खरगोन था, एक इरफान के नाम के पेशेंट को भी खरगोन भेज दिया है। ठीक है, तो क्या जो पूर्व में मृतक महिला जो पॉजिटिव मिली थी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से प्रशासन को कोई मदद मिली है? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो ज़्यादा थी नहीं, तो उसके परिवार के लोग जरूर ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ पाए गए थे। इन्फेक्शन बाकी उन्नीस लोगों के तो उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है सर, जो दो रिपोर्ट आनी और थे। अच्छा सर, जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो कहीं पता लग पाया किस तरह से संक्रमण? नहीं पता लग पाता है जी। आगे बाजार के लिए क्या स्थिति रहेगी सर? शासन के निर्देशों के अनुसार जो नियम से बाजार खुले हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र है उसे छोड़ के बाकी बाजार खुले रहेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि सर ग्राहक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे और कुछ कुछ लोगों को बिना मास्क के भी घूमते हुए देखा गया, तो चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है सभी को, ये आपका आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, आप नागरिक की भी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक मास्क का सवाल है, 100 लोगों पर जुर्माना भी किया, जो लोग मास्क पहनेंगे नहीं है वो लगातार जुर्माना किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।